theoretical physicists say that in order to create anything, there must be consciousness behind it. For example, according to quantum theory, for anything to exist, there must be an observer. And an observer means consciousness. So now they have come to a point that consciousness is needed for any kind of creation. But the scientists are not able to find how creation actually takes place in the presence of consciousness. Consciousness is there, things are there, but how things are being created in the universe, they have no clue about it. Now in the yogic science, we will explore today how creation takes place in presence of three things. There are three main principles in yogic science. One is the energy of consciousness, which is called Paramatma, and the second is Atma, and in the Atma there are Jivatmas. Now in the presence of these three principles, these three things which are eternal, which are always there, how creation starts or how creation takes place, right? What is the reality behind it? Sharmaji, what is the standpoint of yogic science behind the creation of everything? In the creation of everything, there are three things, as you said earlier, the presence of Paramatma, Atma and Jivatma. How creation takes place actually? उसमें ऐसा है कि जब चेतन प्रक्रिया जो अपने में बिल्कुल शांत में चेत रही है तो वो कुछ अकेले है और उसे जीवात्मा हमने नाम दिया है तो वो जो जीवात्मा के आगे भाग में जो चीज चेत रही है वो चेतना उसकी दो पॉइंट में है तो इसलिए जीवात्मा की दो पॉइंट में है तो एक चीज तो यहां से आ जाती है सामने कि भाई कि कोई भी चीज अगर बनेगी तो एक से नहीं बन पाएगी दो से बन पाएगी ये चीज तो उसको उसको मतलब वहां स्पष्ट हो जाती है ये चीज तो किसी चीज को बनने के लिए जब अकेले नहीं प्रमाणित होती किसी भी एंगल से तो दो का होना जरूरी है तो उसी के अंग जो हैं वो एक अंग जो हमने हम पहले कह रहे हैं कि आत्मा है और दूसरा परमात्मा है तो परमात्मा एक अंडे को बाहर की ओर से उसे कंट्रोल कर रहा है नेगेटिव या पॉजिटिव या उसे चुंबकीय सिस्टम भी कह सकते हैं नीचे ऊपर की तरफ तो वो जो कर रहा है मगर जो परमात्मा कर रहा है जो जिसे हम परमात्मा कहते हैं उसकी थोड़ी साइज बड़ी है वो जो जो फर्स्ट जीवात्मा है उससे काफी छोटा है मगर काफी छोटा है तो उसका बिल्कुल सूक्ष्म रूप जो है ना उस अंडे के अंदर बहुत सारा है जहां लिक्विड 50% है और रिक्त 50% है तो वो उनमें होल सुराग बना करके और आदान प्रदान ऊपर नीचे हो रहे हैं उसमें घुस रहे हैं निकल रहे हैं तो वहां जो वो चीज अगर वहां पे वो चीज कंट्रोल कर रहे हैं तो यहां ये बाहर से ये कंट्रोल कर रहा है तो यहां सवाल इस बात का ये खड़ा हो गया कि अब जगत में किसी चीज की क्रिएशन निर्माण करना है तो निर्माण की विधि क्या है तो निर्माण की विधि यह है कि उसे बाहर से भी कंट्रोल किया जाए और अंदर से भी उसे कंट्रोल किया जाए तो अंदर से जो कंट्रोल हो रहा है वो हो रहा है जो जीवात्मा सूक्ष्म है अंडे के अंदर और जो जीवात्मा एक थोड़ी सी बड़ी साइज में है उस अंडे से मीडियम में क्लास की तो वो जो है जीवात्मा पूरी की पूरी अपनी साइज में एक तेज गति में एक प्रकाश में वो उस पर कंट्रोल कर रही है अंडे पे तो उसका एक सीधा सीधा उदाहरण दिया जा सकता है कि आप थोड़ा शरीर के ऊपर दे कि अगर एक जो जीवात्मा है उसके दो एक परमात्मा उसका अंग है और एक उस अंग उसका आत्मा है ये दो अंग अगर निर्माण कर रहे हैं तो इसके पीछे ये चीज खड़ी होती है कि निर्माण आखिर करोगे क्या और निर्माण का तुम्हें आभास कैसे होगा कि ये बन चुका है अधूरा है या ये पूरा है या अच्छा है या बुरा है ये कैसे आप उसे क्लियर करोगे और बनाओगे क्या जब आपके सामने कोई चीज नहीं होगी तो बनाओगे आप क्या तो इसलिए वो जीव आत्मा जो अंदर बैठी अंदर उसके सूक्ष्म है तो वो कंट्रोल करती है कि नहीं जो तुम बनाओगे वो मेरा ही
की तरह मेरा अंश है, इसलिए मेरा अंश बनाओ। तो वो उसके अंश बनाने में लगे हुए हैं, वो दोनों अंश बाहर से बने लगे हुए और बना डाला है उन्होंने अंश, मगर फिर भी देह लगातार बनाए जा रहे हैं और बना अभी तक कुछ नहीं उनमें। तो उनमें अंदर से कंट्रोल है, जिसका मैंने सीधा सारा उदाहरण आपको दे ताकि समझ में आ जाए कि जो हमारा राइट हैंड है और वो लेफ्ट हैंड को अगर साफ कर रहा है, साबुन लगा रहा है, पानी धो रहा है, तो ये दोनों मेरे अंग हैं, मगर इसके पीछे कंट्रोलिंग पावर अंदर से आ रही है कि अभी तूने साबुन लगाया, अभी फिर पानी डाल। तो एक दूसरे को ही, एक दूसरे पे ये सब चीजें हो रही हैं, तो कंट्रोल सूक्ष्म कर रहा, तो सूक्ष्म तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, मगर हाथ तो हमें दिखाई दे रहे कि देखो एक दूसरे को हाथ साबुन तेल लगा करके साफ सुथरे कर रहे हैं ये, तो एक दूसरे की अंग, तो ये मेरे अंग है। अंदर बैठा हुआ जो सूक्ष्म है, वो जो जीव है, जो चेतन प्रक्रिया है, वो अंदर से ये कार्य हो रही है, चाहे वो माइंड से हो रही हो, मन से हो रही हो, आंख से हो रही हो, दृष्टि से हो रही हो, किसी से भी हो रही है। तो अंदर वाला हमें किसी तरीके से दिखाई नहीं देता, उसका कोई एंगल नहीं, उसका एकमात्र है एंगल कि वो उसे आत्म अनुभव में लाया जाए और उसे सबको बताने के लिए ये योगिक साइंस का सहारा लिया जाए। तो ये सिस्टम उसमें, ये उसके अंतर्गत ये चीज आती है। तो ये योगिक साइंस अपने में ये चीज बिल्कुल क्लियर करती है कि जो निर्माण की विधि है, निर्माण का फार्मूला है, जो बिल्कुल मूल में है, जहां साइंस का हो पहुंच पाना असंभव है, वहां पर ये योगिक साइंस अपना ये चीज जो है आपके सामने और अपना अनुभव रख रही है। और ये सिद्धांत किसी भी दृष्टिकोण से कोई भी कोई चीज काट नहीं सकती इसे, क्योंकि ये मूल सिद्धांत है जी। अच्छा, फिर जीवात्मा शरीर का निर्माण कैसे करती है? जीवात्मा अगर शरीर का निर्माण इस तरीके से करती है कि इसमें तीनों चीज की जरूरत पड़ती है कि जीवात्मा का जो आकार है, हमारा शरीर का वही आकार प्लस टाइप है, तो प्लस टाइप तो सभी का आकार है, चाहे रेंगने वाले हो चाहे कैसे भी हो, सभी का वही सिस्टम है, सारा पूरी नेचर का सिस्टम भी वही है, मगर सिस्टम में अगर जो चीज दिखाई दे रही है वो सारी की सारी नेचर जो है वो अंडाकार दिखाई दे रही। अब ये बात हम पहले ही बता चुके कि अंडे में वो प्लस है जो प्लस हमें दिखाई नहीं देते यहां, जिससे निर्माण हो रहा है और जो चीज बनाई जा रही है, तो वो चीज अंडे में सारा चीज हमें अंडे दिखाई दे रहे हैं, उसके अंडे दिखाई दे रहे हैं, और जो परमात्मा बना करके बना रहा है उसने भी अंडा ही बनाया है। तो ये दोनों, परमात्मा और आत्मा, ये दोनों अलग अलग स्थिति हैं, तो एक आधारित है और एक उसके ऊपर बनाने की सिस्टम पे, उसी के आधार के बगैर नहीं बना सकता, परमात्मा अकेले कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा शक्ति किसी तरीके से, चाहे वो शक्ति कैसी भी हो, अगर जल में हो, वायु में हो, पृथ्वी में हो, चुंबक में हो, कहीं भी शक्ति हो, अगर शक्ति जब तक आधारित नहीं होगी तब तक वो प्रमाणित नहीं होगी, प्रत्यक्ष नहीं होगी, अप्रत्यक्ष ही रहेगी, चाहे कितनी भी पावरफुल हो जाए वो। मतलब कि किसी भी चीज के निर्माण के लिए तीनों चीज जरूरत है। जरूरी है, तीनों चीज जरूरत है, आत्मा परमात्मा जीवात्मा। हाँ, दो प्रत्यक्ष चाहिए और एक अप्रत्यक्ष चाहिए। अप्रत्यक्ष परमात्मा, अप्रत्यक्ष अंश चाहिए, अंश अंश और अंग दोनों प्रत्यक्ष चाहिए, प्रत्यक्ष चाहिए, प्रत्यक्ष चाहिए। और जो कंट्रोल करता है वो अप्रत्यक्ष करता है। हाँ, कंट्रोल जो कंट्रोलिंग होता है, हाँ, वो सूक्ष्म चीज जो है ना वो अंदर से ही कंट्रोल होती है, वहां पर वो कंट्रोलर अप्रत्यक्ष वाला, वो अगर अंडे को कंट्रोल कर रहा है तो जीवात्मा ही मूल में कर रही है, तो वो जीवात्मा ही मूल में कर रही है, तो अंडे को किया है, ऐसे वो पूरे परमात्मा को भी एक अंडा बनाया, वो उसको भी बता रही है कि तुमने जो कुछ भी काम करना है मेरे जैसा ही करना, आप मेरे से अलग हटके नहीं जा सकते हो, जैसे जैसे मैं अंदर से हूं वैसा ही आप बनाओ, वो दोनों मिलकर के वैसे ही बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो बनाने वाली प्रक्रिया है, इसको ये दोनों की जगह अंदर से कंट्रोल हो रही है, तो अंदर से कंट्रोल हो रही ये प्रक्रिया, तो अंदर से ये चीज आती है बनाने की, तो बनाने की मैंने ये सिस्टम बताया कि इसलिए वो जो ब्रह्मांड में जितनी भी निर्माण होता है वो केंद्रित होकर के ही किया जा सकता है,
क्योंकि जो केंद्रित पहले केंद्रित हो गए, पहले तीन चीजें केंद्रित केंद्र में बनेंगी, अपने को एक जगह पे रोकेंगी और फिर क्रिया करेंगी और क्रिया कर करके ये ब्रह्मांड में अपने जैसे चीज चीजें हैं और जो चीज की जरूरत हो रही है, इनके पास बहुत वैरायटी है, बहुत सारे नाना प्रकार है, उसी प्रकार की ब्रह्मांड में कितनी दूर चीज रहेगी उसको ये अपने आप खींचेंगी और खींच करके वहां पर उसे केंद्रित करेंगी। ऐसे इसमें हार्डनेस आती जाएगी, इसे मजबूती आती जाएगी और एक मजबूत चीज बन जाएगी। जो ब्रह्मांड में चीजें हैं जो आप कह रहे हैं वो सारे अंडे हैं, अंडे हैं, अंडे और जो जीवात्मा खींचता है, ठीक है। तो जो जो चीजें हैं उनका क्या उनकी क्वालिटी क्या होती है? सारे अंडाकारी हैं, सारे अंडाकारी है, मतलब की वो जड़ चीजें हैं, जड़ चीज है कुछ, क्या चीज है उसका? नहीं, उसमें हर अंडे में, हर अंडे में लिक्विड 50% और 50% रिक्त हर अंडे में, और वो जीव छोटे छोटे जीव ये हर अंडे में अवेलेबल है, मौजूद है, मगर इनकी अपनी वैरायटी है कि कोई अंडे प्रत्यक्ष हैं और जो हार्ड हो गए हैं वो प्रत्यक्ष हैं और जो सॉफ्ट हैं वो किसी यंत्र से दिखाई देते हैं और जो अति सॉफ्ट हैं, जो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हैं, वो किसी यंत्र से पकड़ में नहीं आते, मगर वो आत्म अनुभव में आते हैं। उनकी अलग अलग वैरायटी इनकी सबकी है और ये ब्रह्मांड के अंदर सारे के सारे ये स्थापित है, पूरा ब्रह्मांड इनसे भरा हुआ है। और जो पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है इन सब चीजों से, जो आपने अंडे बताए, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के जो चीजें हैं, जी जी, ठीक है, उसके अंदर आपने ये बताया कि 50% लिक्विड जैसा कुछ पदार्थ है, ठीक है, और जो 50% है वो एम्प्टी स्पेस है, मतलब कि वो खाली है, ठीक है। तो वो जो 50% लिक्विड जैसा चीज है, ठीक है, वो क्या चीज है? हाँ, जो 50% लिक्विड है उसे ये कहा जा सकता है कि ये स्थूल चीज है, ये अगर थोड़ी हार्ड कर दी जाए तो स्थूल चीज है, और किसी भी ब्रह्मांड में ये जो चेतना नहीं है उसका, 50% की जो चेतना, उसमें जो जीवात्मा में चेतना है, इसका काम फूलना है, उसमें चेतन प्रक्रिया दोनों में है, चेतन प्रक्रिया दोनों में, मैंने पहले ही शुरू में कहा था कि चेतन प्रक्रिया दोनों में है, जो लिक्विड है उसमें भी चेतन है और जो रिक्त है उसमें भी चेतन है, इसलिए क्योंकि वो चेतना लिक्विड जब फूलता है तो रिक्त को कवर कर लेता है, रिक्त को कवर कर लेता है, और जब सिकुड़ता है तो रिक्त को रिक्त कर देता है, उसको वही छोड़ देता है, तो जो उसके अंदर भी अपनी चेतना है। हाँ, तो दोनों में चेतना, ये दो चेतना, चेतन प्रक्रिया दो में, और इसके दो पॉइंट हैं चेतन के दो, कोई भी चेतन प्रक्रिया को कोई भी साइंस या कोई भी किसी भी एंगल से स्पष्ट नहीं करते जब तक उसके दो पॉइंट नहीं होंगे, तो तब तक उसको चेतन नहीं कहा जा सकता, और अच्छी ऐसी उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई गति नहीं होगी, तो उसको चेतन नहीं चाहिए, और गति के लिए दो पॉइंट चाहिए, गति के लिए दो पॉइंट चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो जो उनकी चेतना है वो जीवात्मा परमात्मा और आत्मा की चेतना से बहुत कम है। हाँ, जो उसकी कंपैरेटिवली बहुत कम, बहुत बहुत कम है, और या किसी भी जो पूरे कंप्लीट ब्रह्मांड में जितने भी अंडे हैं, जो अंडों से तो पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है, किसी भी अंडे को आने के लिए या चलने के लिए जितना हार्ड रहेगा वो सॉफ्ट में चलाया जा सकेगा, और अगर सॉफ्ट को बिल्कुल हल्का रहे, नॉर्मल रहे, हल्के अंडे रहे, हल्के में अगर चलाया जाएगा तो मुश्किल पड़ेगी, उसमें असंभव सी बात हो जाएगी, उस कंडीशन में वो उनमें एक गुण होता है कि वो इमीडिएटली इतनी क्षणिक में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, कि आपको जो चाहिए ये लो, ले लो, तो वो बदल लेते हैं, जो चाहिए मिल जाती है, तो हर चीज वहीं पर मौजूद हो जाएगी जहां क्रिएटिंग होगी। ऐसा नहीं है कि आपको कि वो क्रिएटिंग वाले परमात्मा को भाग भाग के लाना पड़ेगा या वो चलेगा नहीं, अब भरा हुआ है, भरा हुआ है, अंडों से भरा हुआ, ये चलता नहीं है, इसमें रिक्त नहीं है इतना, ऐसा कि स्पेस खाली नहीं जिससे चल सके, ये एक दूसरे से सारे चीजें अपने आप शेप ले लेती हैं, वैसे ही शेप ले लेती हैं, है ना, जैसे हाँ, जीवात्मा का हाँ, वो जैसा हाँ, स्ट्रक्चर बना लेती है, भाई स्ट्रक्चर बना लेती, उसमें मजबूती ले आती, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मजबूती, जीवात्मा के संकल्प के अनुसार कह सकते हैं, कैसे जीवात्मा की चेतन के, चेतन के अनुसार, चेतना के अनुसार, चेतना का, चेतना के अनुसार, चेतना को क्या चाहिए, वो कर क्या रही है, क्या बनाना है उसने, तो बनानी है तो वही चीज को, वो जो वही चीज वो उसी तरीके की वहीं पर मौजूद करेगा। ओके, इट मींस इन योगिक साइंस देयर आर फोर थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर एनीथिंग टू बी क्रिएटेड। वन इज द प्योर कॉन्शियसनेस व्हिच इज परमात्मा,
and then its own part, you can say, which is Atma and Jivatma and everything which is present in the whole universe in the form of eggs, which are, you know, egg-like structure. Okay, so these four things are necessary for anything to be created, and this is, you know, the standpoint of yogic science. Thank you.